नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इससे पहले कि इस विश्लेषण को आगे बढ़ाए, आज का यह वीडियो देख लेते हैं। पाकिस्तानी पत्रकार रिजवान राजी ने साबित कर दिया है कि जिस हिंदुस्तान के नाम पर टोपी बाजकों का दया नृत्य कराया जाता है, उसके लिए मिलने वाली ऊर्जा का पाउडर भारत से ही मिलता है। मगर बावजूद इसके भारत से आई मेडिसिन पर भी इमरान खान ने पाकिस्तानियों को अरबों रुपए का चूना लगा दिया। आइए देखते हैं यह वीडियो, जिसमें इमरान का पर्दाफाश तो हुआ ही है, भारत की ताकत का एहसास भी होता है। आखिर में पाकिस्तान भारत के सामने घुटनों पर आ ही गया। जब मकबूजा कश्मीर का खसूसी स्टेटस ख़त्म करके उनको अपने अंदर हड़प करने का ऐलान किया, तो हुकूमत पाकिस्तान ने भारत के साथ तमाम तरह के तजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और दरामदात और बरामदात के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। इनके अंदर अद्वियात का रॉ मटेरियल भी शामिल था। हम भारत से सिर्फ रॉ मटेरियल लेते थे, खाम माल लेते थे, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो बड़े खाम माल बनाने वाले दो ममालिक हैं, उनमें एक चाइना है और एक रशिया है। यूरोप के कुछ ममालिक भी बनाते हैं ये जो मेडिसन्स के रॉ मटेरियल हैं, लेकिन उनकी एक कौम की किसी दो या तीन के अंदर स्पेशलाइजेशन होगी, किसी और कौम की होगी। जो एज ए होल बल्क में बनाते हैं रॉ मटेरियल, जो दवाइयों के अंदर डलते हैं, मतलब एक किलो की 1,00,000 गोलियाँ बन जाती हैं, इस तरह के जो रॉ मटेरियल जो हैं वो भारत और चाइना बनाते हैं। और जो हमारी प्रोडक्शन लाइन भारत की रॉ मटेरियल के ऊपर लगी हुई थी, जाहिर है जब रॉ मटेरियल आना बंद हुआ तो वो भी बंद हो गई। उसके ये बात जब बताई गई वज़ीर आज़म साहब को या उन तक पहुंचाई गई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर लिया जाए, ख़ास तौर पे जब कि कोरोना की आमद आमद है और आ चुका है कोरोना और उसके लिए दवाई चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल मंगवाया गया। हमारे प्रोग्राम जो सोशल मीडिया के ऊपर जब ये कंट्रोवर्सी लोड होता है, इसके नीचे आके इंडियंस ने लिखा कि 20 करोड़ डॉलर का जो फ्रॉड हुआ है आपके यहाँ दवाइयों की इंपोर्ट में, आप उस पर प्रोग्राम क्यों नहीं करते। हमने ज़ाहिर है उनका कभी कोई जवाब नहीं दिया, वो गालियाँ भी देते हैं ना जी, हमने उसका कोई जवाब नहीं दिया। और तसरी के साथ लिखा गया कि आपका स्टेट बैंक गूंगा क्यों हो गया, इतने अरब डॉलर, इतने करोड़ डॉलर का फ्रॉड हुआ है और टैक्स एवेजन हुई है। अब खाम माल के ऊपर टैक्स नहीं था, लेकिन दवाइयों की दरामद के ऊपर बहरहाल टैक्स था। अब ये खबर है, और ये खबर मैं 15-16 दिन पहले की बात कर रहा हूँ जब इंडियंस ये हमें बता रहे थे। अब ये कैबिनेट के इजलास से निकला है कि इंडिया से रॉ मटेरियल नहीं आया, बल्कि ब्रांडेड मेडिसन्स आई हैं, बनी हुई मेडिसन्स आई हैं, जिनके ऊपर 300 गुना 400 गुना परसेंट या 500% टैक्स इम्पोज था। यानी कि इस कवर में अरबों रुपए का टैक्स चोरी किया है दरामद कुनिंदगान ने, और दरामद कुनिंदगान गिने चुने हैं, उनके लिए कोई डिटेल की ज़रूरत नहीं है। चंद लोग मैन्युफैक्चरिंग के नाम के ऊपर तो ये इजाज़त मिली थी, तो मैन्युफैक्चरर तो आप देख सकते हैं, दर्जन नहीं तो डेढ़ दर्जन होंगे, और जिसके ऊपर पंजे झाड़ के जफर मिर्ज़ा साहब कभी वो मास्क एक्सपोर्ट कर देते हैं, कभी दवाइयाँ इंपोर्ट कर लेते हैं, पता उन्हें कुछ नहीं होता, वो तो कसूरवार होता ही नहीं है। और मज़े की बात यह है कि उनके ही कज़न को, दूसरे मिर्ज़ा साहब जो है, उनको इंक्वायरी कमेटी का हेड मुकर्रर कर दिया है। यानी कि जो डाकू है उसको चोर की इंक्वायरी के ऊपर तकरार कर दिया गया। मैं इससे ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। देखिए, इस बात में दो राय नहीं है कि जब ढोल बजते हैं तो सबसे पहले गधे रेखते हैं। दुनिया में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचाया तो भारत सबसे बड़ा मददगार बनकर सामने आया। इससे पहले हेचू डेचू कर रहे पाकिस्तान की हेकड़ी ऐसी निकली कि मदीनी की रियासत के नाम पर टोपीबाजों को जो पदीने की चटनी चटाई जा रही थी, वह पूरे पाकिस्तान में फैल गई। जनता ईद की खातिर तैमन टोपी खरीदने के लिए तशरीफ पर गुलदस्ते सजाकर चलना चाहती थी, मगर इमरान खान ने भारत से आयात की गई दवाइयों पर इनको चूना लगा दिया। यानी कंगलों के मुल्क में मूल्य कम दल्ले ज्यादा है, मूल्य भी ऐसे की जो भारत से नफरत के नाम पर इनसे बकरी कुदान कराते हैं, मगर पिछले रास्तों से ही अपने पोबारे करते रहते हैं। पर यह बात इनकी समझ में ना आई या ना कभी आएगी, अगर आ गई तो फिर मुल्ला मुल्क के मदरसों की दीवारें सलामत नहीं बच पाएगी।
आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।